किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। 3 अक्टूबर के दिन आर्यन खान को ड्रग्स मामले में एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था। आर्यन खान की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका को लेकर अब 13 अक्टूबर के दिन सेशन कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इसी बीच देखा जाए तो शाहरुख खान का सहारा बने हुए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे। इसी लिस्ट में नाम शामिल है शाहरुख के क्लोज फ्रेंड बॉलीवुड की दबंग खान सलमान खान का। सलमान खान और उनका पूरा ही परिवार शाहरुख खान के साथ खड़ा हुआ है। सलमान के परिवार के सदस्य शाहरुख खान से मिलने उनके घर मन्नत भी पहुंचे। शाहरुख खान का सहारा बने हुए हैं सलमान खान और उनका पूरा ही परिवार। और इसी बीच देखा जाए तो सलमान अपने काम पर ध्यान देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में सलमान के फैंस के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बीते लंबे समय से सलमान खान काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। बीते कई दिनों से सलमान खान और पॉपुलर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 को लेकर। इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले सलमान और कैटरीना ने तुर्की रूस ऑस्ट्रेलिया में अपनी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की। वहीं अब कुछ हाई ऑक्शन एक्शन सीन्स की शूटिंग के बाद सलमान और कैटरीना मुंबई वापस लौट आए। लेकिन अब रिपोर्ट्स की माने तो एक बार फिर से सलमान और कैटरीना इस फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो जाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया है कि सलमान रिकॉर्ड समय में अपनी शूटिंग पूरी करने वाले बॉलीवुड स्टार्स में से एक हैं। सलमान खान को इस फिल्म में एकदम नई एनर्जी और एक्शन मोड में देखा जाएगा। सलमान खान पहले से ही अपने 2 प्रोजेक्ट्स के लिए शूटिंग कंप्लीट कर चुके हैं, तो वहीं फिल्म की शूटिंग मुंबई में YRF स्टूडियो में फिर से शुरू की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि कल इंटरनेशनल शेड्यूल के बाद फिल्म के नए शेड्यूल का पहला दिन है। सलमान कैटरीना और दानिश भट्ट केपटाउन के एक अंतर्राष्ट्रीय स्टंट टीम के साथ एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग करेंगे जो उन्हें डिजाइन कर रही हैं। हाई ऑक्टेन एरियल स्टंट भी शेड्यूल के दौरान ही शूट किए जाएंगे और बाद में VFX द्वारा इन्हें बढ़ाया भी जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो कैटरीना कैफ जो सलमान के साथ एक बार फिर से शूटिंग करने के लिए तैयार हो चुकी हैं और ये दोनों ही कलाकार अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री के जरिए एक बार फिर से आप सभी को दीवाना करेंगे फिल्म टाइगर 3 के जरिए। ऐसे में देखा जाए तो सलमान और कैटरीना के लिए ये वाकई में बेहद बड़ी खुशखबरी है।